नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी तहसील में भारी बारिश के चलते बगोदा डैम के 3 गेट खुले। लगातार हो रही बारिश के चलते जहां पर नदी नाले उफान पर हैं, वहीं पठारी बसोदा कुरबई मार्ग पर पड़ने वाली रेल पुल पर भी लगभग 2 से 3 फीट पानी होने से पठारी बसोदा कुरबई मार्ग बंद हो गया है। वहीं पठारी खुरई मार्ग पर पड़ने वाली बीना नदी के पुल पर लगभग 6 से 7 फीट पानी होने से वह मार्ग भी बंद हो गया है। और पठारी कागल खेड़ी के बीच पड़ने वाली बगरू नदी पर भी बना त्योदा डैम के गेट खुलने से यह रास्ता भी बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते रहटी बांध परियोजना पर बने बगोदा डैम पठारी के 7 गेट में से 3 गेट खोले गए हैं, जिसमें 3 नंबर के गेट 1 मीटर से 4 नंबर का गेट 1 मीटर, 5 नंबर का गेट आधा मीटर खोला गया है। बारिश को देखते हुए पठारी तहसीलदार सी के ताम्रकार एवं पठारी थाना प्रभारी दीपक राठौर सहित राजस्व अमला एवं पुलिस बल समस्त नदी नालों पर निगरानी बनाए हुए हैं। विदिशा जिले के पठारी एवं आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वहीं गंद बसोदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव उकायला चारों तरफ से घिरने की कगार पर है। कहीं बारिश अधिक होती है तो पठारी तहसील के ग्राम कंकाल खेड़ी, चंदुली, खंडा खेड़ी, जमुनिया भी पानी की चपेट में आ सकते हैं। वहीं उकायला में स्कूल पूरी तरह से पानी की चपेट में आ चुका है। घरों एवं स्कूलों में घुसा पानी खेत में खड़ी फसल को इससे भारी नुकसान। पठारी तहसीलदार सी के ताम्रकार एवं थाना प्रभारी दीपक राठौर अपने दल बल के साथ मौका मुआयना कर रहे हैं, कोई अप्रिय घटना ना घटे। विदिशा से आशीष सहिले की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।